لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم ناظرين وناظرات، علم هاي أكاديمي يا ناصح काउंसलिंग सेंटर की जानिब से ये जो मुबारक मजलिस सजाई गई है, ये सेशन हमारा बहुत ही मुबारक है इस लिहाज से कि अभी अनकरीब हम ऐसे महीने में दाखिल होने वाले हैं जो मुबारक महीना है, जो तमाम महीनों पर फजीलत रखता है, जिसकी बरकतें, जिसकी मग़फ़िरतें हम पर इंशा अल्लाह अभी साया फगन होने वाली हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस महीने तक पहुंचाए और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ये महीना नसीब करे, इसकी बरकतों को हमारे दामन में अल्लाह ताला हमारे हिस्से में लिख दे, आमीन। जो लोग भी हमारे इस दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे साथ शरीक हुए हैं आज के इस सेशन में, आप सब काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल दाद व तहसीन हैं। ये लगन इस बात की दलील है कि हम में से हर कोई इंशा अल्लाह इस्तेबार तैयार है रमज़ान के इंतज़ार में। इसीलिए इस मुनासबत से हमारा जो उन्वान तय पाया वो यही है कि इस्तकबाल रमज़ान, हाउ टू वेलकम रमज़ान। तो आइए सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि क्या हम लोग रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमारा सेशन वर्कशॉप की तरह है, तो इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आप में से जो भी शरीक होकर के इसका जवाब दे सकते हैं, अल्लाह उनको जजाय खैर दे। सबको इख्तियार है कि क्या हम रमज़ान का वाकई मानों में इंतज़ार कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं या टेक्स्ट में मैसेज के जरिए से भी आप भेज सकते हैं। क्या हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बारकअल्लाहु फीकुम। हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि बग़ैर उम्र के फ़र्क के हम में हर कोई रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे बड़े हों, जवान हों, छोटे बच्चे हों, हर कोई रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि इसकी खसूसियत ही ऐसी है, इसकी बात ही ऐसी है कि हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है। अब अगर दूसरा सवाल मैं ये पूछूं कि हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, इसका जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन हम रमज़ान का इंतज़ार कब से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसका कोई जवाब दे सकते हैं? एक ही सवाल में दो चीजें, कब से कर रहे हैं और कैसा इंतजार कर रहे हैं। जी आसान सवाल आते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जी, जब से शाबान में दाखिल हुए हैं तो रमजान की थोड़ी तैयारी भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रमजान में अल्लाह ताला इस काबिल अमल कराए कि उसमें सवाब हासिल कर सके और तक्वा अपने अंदर क्रिएट कर सके। तो आमीन आमीन जी, बारक अल्लाह फीक। ये बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है माशाअल्लाह, कि जब से शाबान शुरू हुआ है तब से हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम हमारी ही दुनिया में
रहकर गुजर गए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनको हम सलफ कहते हैं, जिनको हम सलफ़े सालिहीन कहते हैं। उनकी जिंदगियों में रमज़ान क्या माने रखता था और वो इस रमज़ान के लिए कैसा इंतज़ार करते थे, हम इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि सलफ़े सालिहीन का अंदाज़, रमज़ान का इस्तकबाल, रमज़ान की तैयारी या रमज़ान का इंतज़ार कैसे किया करते थे, हम जानते हैं। अरबी में लिखा हुआ है, अस्सलफ़ उस्सालिह कानू यदउना सित्तत अशहर। कानू यदउना अल्लाह सित्तत अशहर, के वो अल्लाह ताला से 6 महीने पहले रमज़ान के लिए दुआएं किया करते थे कि आप माशा अल्लाह कई खुतबात में, कई तकरीरों में और दर्स में सुनते हैं कि 6 महीने पहले वो लोग रमज़ान का इंतज़ार किया करते कि अल्लाह ताला उन्हें रमज़ान तक पहुंचाए। फिर कहते हैं, तुम यदउनहु सित्तत अशहर उखरा अन यतक़बलहु अज़्ज़ा वजल्ला मिन्हुम। और फिर इतना ही नहीं, रमज़ान आता, रमज़ान आने का इंतज़ार के बाद दुआ कर रहे होते, किस बात के लिए कि ऐ अल्लाह इस रमज़ान में जो इबादतें हमसे हुई, जो नेकियां हमसे हुई हैं, उनको तो कबूल फरमा ले। और वाकई ये अहले इल्म ने ये बात जिक्र की है कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, हकीकी मोमिन जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी ये आदत है, उनका ये शियार है, उनका ये पैशन कह सकते हैं कि वो पूरे इखलास के साथ कोई भी अमल करते अल्लाह के लिए करते, और फिर उन्हें ये डर लगा रहता कि कहीं अल्लाह ताला इस अमल को रद्द ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, तो उस अमल की कबूलियत के लिए दुआ किया करते कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल कर ले। एक बड़ी मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ। कुरान करीम जब आप पढ़ते हैं, सूरह बकरा में जब दाखिल होते हैं आप लोग, आप देखते हैं जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, वहां पर आप एक आयत सब ये पढ़ेंगे, रब्बना तकब्बल मतलब मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। रमजान में भी मुख्तलिफ इमामों से हम लोग, उलमा से ये दुआ सुनते हैं कि ऐ हमारे रब, हमसे तू इस अमल को कबूल कर ले, इन्नका अंत समीउल अलीम, इसलिए कि तू सुनने वाला और जानने वाला। ये दुआ हम करते हैं। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये दुआ क्यों है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे, सही बुखारी की रिवायत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का की तरफ आए इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए, जब उनसे मुलाकात हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे रब ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए एक घर बनाऊं। और वो कौन सा घर है, हम जानते हैं, वो काबतुल्लाह, अल्लाह का घर। कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो वो कहते हैं कि आपके रब, आप अपने रब की इताअत कीजिए, आपके रब ने हुक्म दिया घर बनाओ तो घर बनाइए। उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि मेरे इस काम में तुम शरीक रहो, तुम मेरा साथ दो। जब जैसे ही ये बात इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा कि ठीक है, फौरन मैं आपके साथ तैयार होता हूँ, चलिए अल्लाह का घर बनाते हैं। फिर जब लोग दोनों मिलकर के ये घर बना रहे थे, अल्लाह का काबतुल्ला बना रहे थे, उस वक्त की कैफियत दोनों की ये थी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर उठा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक एक ईंट रख रहे हैं। दोनों की जबान से ये दुआ जारी है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि आए हमारे रब को इस अमल को कबूल कर ले, इसलिए कि तू सुनने वाला और जानने वाला है। सलफ सालिहीन में से एक इमाम गुजरे हैं जिनका नाम उहैब बिन वर्द है। जब भी वो इस आयत को पढ़ते, व इज यरफउ इब्राहीम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, फौरन रोना रोना शुरू कर देते और रो पड़ते। तो उनसे जब लोग पूछते कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, कहते हैं या खलील रहमान। आप जानते हैं खलील रहमान किसका लकब था, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब था। तो कहते हैं, ऐ खलील रहमान, ऐ अल्लाह के रहमान के दोस्त, ऐ रहमान के बंदे, आप अल्लाह के घर के किस
की बुनियाद रख रहे हो, अल्लाह के घर को बना रहे हो, और वहीं अल्लाह ताला का ही हुक्म है, खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल कर रहे हो, और आपको इस बात का डर है कि अल्लाह ताला आपसे कबूल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, के इमामुल मुवाहिदीन, तमाम अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, तौहीद पर अमल करने वाले हैं, उनके इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको जद्दुल अबुल अंबिया भी कहा गया, अंबिया के वालिद का मकाम रखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कुर्बानियां, वो काम उन्होंने किया जो एक उम्मत करती है, इतने बड़े काम और इतने इखलास के साथ करने के बावजूद उनको ये डर रहता था कि कहीं अल्लाह ताला इस अमल को कबूल ना कर ले। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये बिल्कुल मामला था कि उन्हें खदशा है, कोई कुछ कह रहे हैं, बराह करम जिनका भी माइक दरमियान में ऑन हो रहा है वो ऑफ कर लें ताकि डिस्टर्ब ना हो, सबको परेशानी होगी। जी हो, जजाकुमुल्लाह खैरन। तो मैं कह रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियां दी, जो खिदमत की, और जिस तरीके से अल्लाह की उन्होंने इबादत की, अल्लाह ने कहा कि जैसे एक उम्मत काम कर सकती है वैसे अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी अजीम इबादतें करने के बाद उनका ये मामला है कि वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमारे अमल को कबूल कर ले। तो क्या मालूम हुआ कि सलफ सालेहीन जब रमजान को पा लेते, 6 महीने पहले रमजान को पाने की दुआ कर रहे हैं और 6 महीने बाद ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमारे 6 महीने, इसके बाद वाले 6 महीनों में दुआएं करते कि अल्लाह ताला तो हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नेक बंदे होते हैं उन्हें ये फिक्र लगी रहती है हमेशा कि अल्लाह तो हमारे अमल को कबूल कर ले। अमूमन हमारा क्या तरीका है कि हम अमल कर लेते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, और हम ये समझते हैं कि कबूल हो जाएगी, कोई भी दुआ है, कोई भी अमल है, वो उनकी है, कबूल हो जाएगी, ये हम लगाए उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह जो अमल हमने किया है वो अमल तो कबूल कर लेना। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि ये रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसके आने पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा को मुबारकबादी पेश किया करते, मुबारकबादी पेश किया करते, विश करते रमज़ान के आने पर। और क्या कहते हैं, सही बुखार, सही सुनन नसाई की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अताकुम रमदान शहरुन मुबारक, तुम्हारे पास ऐसा महीना आया जो मुबारक महीना है, फरद अल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह ताला ने उसके रोजों को तुम पर फर्ज किया, तफत्तहु फीही अबवाबुस्समा, उसमें अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, व तुगल्लकु फीही अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, वो तुगल्लु फीही मरदतु शयातीन, और जो सरकश शैतान हैं उनको अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, उनको कैद कर देते हैं, वो फीही लैलतुन हिया खैरु मिन अल्फ शहर, और इस महीने में ऐसी मुबारक रात भी है, ऐसी बेहतरीन रात भी है जो 1,000 महीनों से बेहतर है, मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो इस रात के खैर व भलाई से महरूम हुआ वो बहुत सारी नेकियों से और भलाइयों से महरूम हो जाएगा। तो क्या मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को इस महीने के आने पर मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, और सहाबा को कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा मुबारक महीना आया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये इंतजाम किया गया, मुबारक महीना है, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जा रहे हैं, और जो सरकश शयातीन है जो लोगों को आकर रोजेदारों को मुबतला करते हैं वसवसों में, बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, ऐसे शयातीन को बंद कर दिया जाता है, और फिर इस पूरे महीने में अल्लाह ने एक ऐसी रात मुबारक रात रखी है जो 1,000 महीनों से बेहतर है, इस महीने की इस रात को जो भी पा लिया गोया कि वो बहुत ज्यादा अजर व सवाब कमाएगा, बेहतरीन उसके लिए हिस्से में अल्लाह ताला ने भलाइयाँ लिखी है, वही जो इस रात के खैर व भलाई से महरूम हुआ गोया कि वो बहुत सारी भलाइयों से महरूम हुआ। उसके बाद आइए, हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने पर आने, इस महीने के आने पर अपने बंदों के लिए जो तोहफे तहाइफ का इंतजाम अल्लाह ने किया, इलाही इंतजाम जो इस महीने के आने पर होता है वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन तिर्मिजी और इसी तरह इब्न माजा की रिवायत है, कहते हैं इदा काना अव्वल लैलत मिन शहर रमजान,
सुफिदति शयातीन व मर्दतुल जिन, कि जैसे ही रमजान की पहली रात आ जाती है उस वक्त में शयातीन को बंद कर दिया जाता है और जिन्नात में से जो सरकश होते हैं उनको कैद कर दिया जाता है। फिर वगुल्लिकत अबवाबुन नार वलम युफ्तह मिनहा बाब, गौर कीजिए कि जहन्नम के रास दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फोन की जल्दी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ हमें जो होना है वो मिल रहा है यहाँ पे। बराहे करम अपना माइक ऑफ रखें। एक दरख्वास्त है कि जो लोग भी शरीक है वो बराहे करम अपने डिवाइस पर नजर रखें कि माइक आपका ऑन ना हो जाए। हो सकता है गलती से भी हुआ हो लेकिन कोशिश करें कि ना हो, सर दरमियान में डिस्टर्ब हो जाता है। जी हाँ, हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही रमजान की पहली रात आ जाती है उस वक्त में जो सरकश शयातीन है उनको बंद कर दिया जाता है। वो गुल्लिकत अबवाबुन नार फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिनहा, कोई ये ना कि एक दरवाजा खुला रहेगा, नहीं, जहन्नम के पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वो फुतिहत अबवाबुल जन्ना फलम युगलक मिनहा बाब, और जन्नत के पूरे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, ये इतना अजीम इंतजाम हमारे रब ने किया है रोजेदारों के लिए किया है। फिर उसके बाद एक ऐलान अल्लाह की जानिब से होता है, वही उनादी मुनादिन कुल्ला लैला, हर रात को अल्लाह की जानिब से अल्लाह का फरिश्ता यह आवाज लगाता है, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी शर अक्सर, कि ए खैर और भलाई नेकियों के तलबगार नेकी में आगे बढ़ो। ये मौसम ऐसा आ गया है, ये महीना ऐसा आ गया है कि इसकी नेकियों में आगे बढ़ो। व या बागी शर अक्सर, और ए गुनाह में थके इंसान, गुनाह कर रहा था पूरी जिंदगी, अब तुम्हें चाहिए कि तुम गुनाहों से रुक जाओ। अब भी नेकी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये नेकियों का महीना है, ये खैर भलाई का महीना है, नेकी में आगे बढ़ो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वलिल्लाहि उतका मिनन नार वदालिका कुल्ला लैला। अल्लाहु अकबर, के अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से कई ऐसे बंदों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा और ये अमल हर रात होगा, हर रात में कई बंदों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले। अब बताइए मोमिन की जिंदगी, एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? जहन्नम से आजादी, और वो इस महीने में हर रात हो रहा है। अल्लाह अकबर, अब अगर इस बरकत वाले महीने में ये बेहतरीन इंतजाम में अगर हम पूरी कोशिश ना करें, अल्लाह से दुआ ना करें और ये कोशिश ना करें कि हमें जहन्नम से आजादी करवाना मिले, तो बताइए इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती, इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और ऐसे आमाल करने चाहिए जैसे कि अल्लाह की जानिब से ऐलान होता है, या बागी अल खैर अकबिल, नेकी के तलबगार आगे बढ़ो नेकी करो, व या बागी शर अक्सर, और जो शर और बुराई के तलबगार है बुराइयों को करने वाला है ऐसे इंसान को बुराई से रोकना चाहिए। फिर उसके बाद आप उनवान देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि शहीद का मर्तबा बड़ा है या एक रोजेदार का मर्तबा बड़ा है, आपका क्या जवाब होगा? मेरा सवाल है कि शहीद का मर्तबा बड़ा है या एक रोजेदार का? जी हाँ, कोई भी जवाब दे सकते हैं। रोजेदार माशाल्लाह, बारक अल्लाहु फिक। वैसे अगर देखा जाए तो शहादत का मकाम जाना है बहुत बड़ी फजीलत की बात, कोई अल्लाह के रास्ते में लड़कर शहीद हो जाए ये बहुत ऊंचा मकाम, और अल्लाह ताला की जानिब से खुसूसी इंतजाम जन्नत में इनके लिए किया जाए। लेकिन आप गौर करें, एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे हमारे सामने बात वाजे हो जाएगी कि रमजान जैसा महीना किसी इंसान की जिंदगी में आ जाना कितने बड़े खैर की दलील, कितनी बड़ी फजीलत की बात। इब्न माजा और मुसनद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत, रावी हदीस तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि दो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक ही दिन में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनमें से एक शख्स बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में हमेशा कोशिश करने वाला, हमेशा अल्लाह के रास्ते में जाकर के जिहाद करने के लिए तैयार रहता, जबकि दूसरा शख्स हमेशा घर में रहता और जहाँ इबादतों का मौका मिलता वो इबादत कर लेता। तो जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता
वो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल गया और शहादत मिल गई, शहीद हो गया वो। और जो दूसरा शख्स था वो उसके 1 साल के बाद उसकी वफात हुई, 1 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। तो कहते हैं उबैदुल्ला, तलहा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह अन, मुझे ख्वाब में नजर आई ये दोनों भाई, ये दोनों शख्स ने मुझे ख्वाब में नजर आए और दोनों जन्नत के दरवाजे के पास खड़े हैं। मैं क्या देखता हूँ, जो शख्स 1 साल के बाद जिसकी वफात हुई और घर में वफात हुई, कोई बड़ी फजीलत वाली नहीं, घर में वफात हुई, घर में तबीयी मौत हुई, उसको जन्नत में पहले दाखिल होने का मौका मिल रहा है, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़कर जिहाद करके शहीद हुआ था उसको जन्नत में बाद में जाने का मौका मिल रहा है। ये बात मैंने सहाबा को बयान किया तो सहाबा परेशान हो गए, हैरान हो गए ये ख्वाब सुनकर। और यही बातें चल रही थी, इतने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके दरमियान तशरीफ लाए और आपने देखा सहाबा हैरान है, परेशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो सहाबा ने बताया कि ये तलहा बिन उबैदिल्ला ऐसा ख्वाब देख कर आए हैं, सुनकर के हम हैरान है परेशान है कि जो पहले 1 साल पहले इंतकाल हुआ, लड़कर अल्लाह के रास्ते में उसकी शहादत हुई, अब इसके बावजूद जो शख्स अपने घर में जिसका इंतकाल हुआ वो जन्नत में पहले जा रहा है, कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें ताज्जुब करने वाली बात क्या है, जो दूसरा शख्स जो 1 साल के बाद जिसकी वफात हुई, क्या उसके ज़िंदगी में रमज़ान नहीं मिला था उसे? अल्लाह अकबर। तो वो रमज़ान के महीने में, महीने को पाने के बाद उस महीने में उसने रोज़े रखे, नमाजें पढ़ी और फिर कई सजदे उसने किए। सुबहान अल्लाह, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ इन चीज़ों का जिक्र किया। तो ये इतनी बड़ी फजीलत इसको हासिल हुई इस वजह से कि इसकी ज़िंदगी में रमज़ान उसे नसीब हुआ। तो क्या हो रहा है, जन्नत में उस शख्स से पहले जा रहा है जो इससे पहले वफात हुई और अल्लाह के रास्ते में लड़कर शहादत जिसे नसीब हुई थी उससे पहले ये शख्स जन्नत में जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है कि शहीद से पहले भी रोजेदार जिसे रमजान नसीब हो वो जन्नत में पहले जाए। अल्लाह अकबर। अभी कितना बड़ा शरफ, कितनी बड़ी फजीलत है। अब तो फिर मेरे और आपके शौक में और इजाफा होना चाहिए, हम रमजान का जो इंतजार कर रहे हैं ये बड़ी फजीलत की बात, ये बड़ा फजीलतों वाला महीना। तो लिहाजा इस रमजान के इस्तकबाल के लिए, इसके वेलकम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और बहुत ज्यादा तैयार रहना। अब आइए जानते हैं इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, ने भी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, कहते हैं तल्लाही लौ क़ीला लि अहलि अल-क़ुबूरि तमन्नौ लतमन्नौ यौमन मिन रमज़ान। अल्लाह अकबर। अरबी का ये जुमला है, इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, गौर कीजिए, कहते हैं अल्लाह की कसम अगर कब्र में मौजूद लोगों से ये कहा जाए कि तुम तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, तो क्या ख्वाहिश करेंगे? रमज़ान का एक दिन नसीब हो जाए ये ख्वाहिश करेंगे। सुभान अल्लाह, पूरा रमज़ान भी नहीं, रमज़ान का एक दिन नसीब हो जाए ये ख्वाहिश करेंगे, कहेंगे कि ऐ काश हमें रमज़ान का एक दिन नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, कौन? जो कब्रों में मौजूद। अभी हमारा वो वक्त नहीं आया, हम जिंदा हैं, ज़मीन के ऊपर हैं, तो इस महीने के एक एक दिन, बल्कि एक एक लम्हे की हमें कीमत मालूम होनी चाहिए। अहले कुबूर ये तमन्ना करेंगे कि उन्हें रमज़ान का एक दिन मिले, और अगर हमें पूरा रमज़ान का महीना मिल जाए और फिर भी हम उसकी बेकदरी करें, नाकदरी करें, तो बताइए कितनी बड़ी बदबख्ती है, कितनी बड़ी महरूमी। तो इस तरह से गुजरे हुए हमारी ज़िंदगी के कई रमज़ान हो सकते हैं जिनमें हो सकता है कि कोताही हुई हो, हमसे कुछ लफ्जिशें खताएं हुई होंगी, लापरवाही और गफरत में गुजर गए होंगे। लेकिन अब जब हम यहाँ शरीफ होकर के रमज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत और उसकी 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 अजमत से हम वाकिफ हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना, उसका अच्छे से इस्तकबाल करना है। और क्यों ये तमन्ना करेंगे अहले कुबूर? इसलिए कि रमज़ान ये पूरे महीनों में बड़ा महीना है, इसमें बड़ी बड़ी इबादतों को अल्लाह ने मशरू किया है, बहुत सारी इबादतें रमज़ान में। रोज़ा, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अस्सौमुली व अना जिसे भी, रोज़ा मेरे लिए बंदा रख रहा है अपनी शहवतों को छोड़ करके, अपने खाने पीने को छोड़कर, बंदा जब रोज़ा मेरे लिए रख रहा है तो फिर उसका अजर व सवाब मेरे मेरे पास, मैं उसको खास अजर व सवाब अता करूँगा। अल्लाह अकबर। और इसके बाद क़ियामुल लैल है, कुरान मजीद की तिलावत है, सदक़ात व खैरात है, रोज़ेदारों को खाना खिलाना है, इस तरीके से बड़ी बड़ी इबादतें एतिकाफ़ हैं और सदक़ात व खैरात, ये तमाम बड़ी बड़ी इबादतें अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में रखी हैं। तो मुझे और आपको समझना चाहिए कि अहले कबूर, कब्रों में दफन लोग ये तमन्ना करेंगे कि रमज़ान का एक दिन नसीब हो जाए, हमें पूरा महीना अगर मिल रहा है तो इसकी नाकदरी हम हरगिज़ ना करें, इसके लिए हमें तैयार होना है।
अब आइए जानते हैं कि रमजान के इस्तकबाल में लोगों की कई किस्में हमारे दरमियान पाई जाती हैं। अभी हमारा सेशन शुरू होने से पहले किसी ने हमारे चैट सेशन में ये लिखा कि लोगों के जहनों में रमजान का आ जाना ये मतलब है कि सिर्फ खाना पीना मज़े करना और फिर रमजान का वक्त ऐसे ही गुजार देना जैसे आम दिन है, या आम दिनों से बढ़ करके अच्छा खाना पीने का इंतज़ाम कर देना। बिल्कुल सही बात, लोगों में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, ऐसा जहन भी लोगों का है जो रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का ज़माना समझते हैं, खाने पीने का के अय्याम समझते हैं। अब आइए हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जानेंगे। अहले इल्म ने तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया रमज़ान के सिलसिले में। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के सिलसिले में या रमज़ान के आने का इंतज़ार कर रहे होते। पहली किस्म किसकी है? मोमिनीन की जमात, अल्लाह के मोमिन बंदे जो अल्लाह पर, आखिरत पर, किताबों पर, अल्लाह की रसूलों पर, तकदीर के अच्छे और बुरे होने और फिर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, ऐसे लोग रमज़ान के आने पर खुश होते हैं। रमज़ान के आने को वो ऐसा समझते हैं जैसे कि उनके ज़िंदगी में ईद आ गई हो। और ये किस लिए, ये खुशी इनके इनके दिलों में क्यों आ रही है? इसलिए कि रमज़ान के रोज़े रखना उनके लिए आसान, उनके दिल इसकी तरफ माइल होते हैं, पूरे शौक़ से वो रमज़ान के रोज़े रखते हैं। वजह क्या है? इसलिए कि ये न सिर्फ रमज़ान के मुसलमान बल्कि रमज़ान के अलावा रोज़े रखते हैं, जैसे हर हफ्ते पीर और जुमेरात का रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नफिल रोज़े रखते हैं। और इसी तरह से हर महीने के 13, 14, 15 तारीख जो कमरी तारीख हैं, चांद की तारीख है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, तो ये अल्लाह के बंदे भी इसमें रोज़ा रखा करते थे। अरफा का रोज़ा है, फिर इसी तरह से आशूरा का रोज़ा है, इसमें अजर व सवाब की उम्मीद रखकर अल्लाह ताला से ये अजीम इबादतें वो आम दिनों में भी अंजाम देते थे। इसलिए रमज़ान के आने का वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और रमज़ान का रोज़ा रखना उनके लिए आसान। दूसरी वजह इसलिए कि रमज़ान आने पर उनको खुशी क्यों है और रमज़ान के रोज़े रखना उनके लिए इसलिए भी आसान है क्योंकि वो जानते हैं कि रोज़ा रखना कितने बड़े अजर व सवाब का बाइस है और वो अपने खाने पीने की चीज़ों से रुक जाते हैं, अपने ख्वाहिशात नफसानी से रुक जाते हैं, इसलिए कि इन इस रुकने की वजह से उनका बदला उन्हें जन्नत में हासिल होगा। अल्लाह अकबर, ऐसी जन्नत के जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने उस जन्नत के बारे में सुना है, ना ही किसी दिल में जन्नत के का तसव्वुर आ सकता है। इतनी अजीम जन्नत को हासिल करने के लिए रमज़ान का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और पूरे ज़ौक़ व शौक़ से रमज़ान की इबादतें करते हैं। और फिर तीसरी किस्म लोगों की तीसरी वजह क्या है? ये जो पहले किस्म के मोमिनीन हैं जिनको रोज़ा रखना आसान है और रमज़ान के आने पर खुश होते हैं, इसकी तीसरी वजह क्या है? इसलिए कि उनके दिलों में इन रमज़ान की बड़ी अजमत है, रमज़ान की बड़ी अहमियत है, रमज़ान की फजीलत को जानते हैं। वो रमज़ान का ऐसे इस्तकबाल करते हैं जैसे उनका कोई अजीज उनसे छूट कर चला गया था, अब वो आ रहा है तो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। और फिर दूसरी किस्म लोगों में रमज़ान के इस्तकबाल को लेकर वो दुनिया वाली जमात, वो अहले दुनिया है जो दुनिया के तलबगार, इसलिए कि रमज़ान आने पर इनको भी खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पहली किस्म के लोग हैं मोमिनीन को जो खुशी हो रही है वो खुशी इनकी खुशी नहीं, बल्कि इनकी खुशी क्या है? ये खुश हो रहे हैं इसलिए कि रमज़ान आएगा तो तिजारत में इजाफा होगा, रमज़ान आएगा अच्छी तिजारत करने का मौका है, अपनी दुकान को सजाने का मौका है, प्रॉफिट कमाने का मौका है। और वहीं वो देखता है कि रमज़ान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मस्जिद में खड़े हैं, इबादतें कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, एहतिकाफ में हैं, और ये अल्लाह के बंदे अपनी तिजारत में मसरूफ, दुनिया कमाने में लगे हैं, और फिर ऐसे ऐसे ऑफर्स और ऐसी चीज़ें बता करके लोगों को अपनी जानिब मायल कर रहे हैं कि वो इबादतों को छोड़ करके इनकी जानिब आ जाते हैं। अल्लाह के बंदो, यहाँ ये बताना मकसद नहीं है, किसी को मेरी बात से अगर तकलीफ हो तो ये गौर ज़रूर करें कि यहाँ मैं ये नहीं कहता कि तिजारत ना करें, बल्कि तिजारत करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें खैर व बरकत रखी है, भलाइयाँ रखी, लेकिन हम ऐसी तिजारत के सबब के जो दुनिया का फ़ायदा दे रही है आखिरत में उसका नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसी तिजारत से आखिरत की तिजारत बहुत बेहतर, आखिरत की तिजारत बहुत बेहतर, ऐसे मशगूल ना हो जाएं कि जिसमें फ़राइज छूट जाएं। और ये अजीम मौका, अजीम महीना जो अल्लाह ने अता किया है, इसकी बरकतों से हम महरूम हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़,
सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम्हारे पास दुनियावी साजो सामान है, माल और दौलत है, खजाने भी क्यों ना हो, वो खत्म होने वाले, और अल्लाह के पास जो नेमतें हैं, जो खजाने हैं, जो अजर सवाब है, वो हमेशा रहने वाला है। तो बताइए अब हम कौन सी तिजारत करना चाहेंगे, आखिरत की तिजारत करेंगे या सिर्फ दुनिया का प्रॉफिट और दुनिया की तिजारत में हम मशगूल हो जाएंगे। तो हमें गौर करना चाहिए कि हम कहीं दुनिया की तिजारत में इस कदर मशगूल होकर आखिरत की तिजारत से कहीं महरूम ना हो जाएं। और इसी तरह से तीसरी किस्म लोगों की रमजान को आते हुए देख करके या रमजान के इस्तकबाल को लेकर तीसरी किस्म लोगों की वो है कि जिन पर बड़ी मुसीबत के पहाड़ आ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में मुब्तला हो गए, ऐसे लगता है जैसे कि इन पर पहाड़ रख दिए गए हैं, रोजा रखना इनके लिए बड़ी मुश्किल गुजरती है, और ऐसे कि वो अपने ख्वाहिशात नफसानी को दबाना नहीं जानते, वो जो चाहते हैं वही करते हैं, उनके दिलों में शहवात और शुबहात ने ऐसे जगह कर लिया है कि अब इबादत को अंजाम देना इनके लिए बड़ी मुश्किल गुजरती है। अफसोस करते हैं, वो तकलीफ उन्हें महसूस होती है कि हम अब वैसे खा नहीं सकते जैसे आम दिनों में खाया करते थे, हम वैसे रह नहीं पाएंगे जैसे आम दिनों में रहते थे, हम वैसे सो नहीं पाते जैसे आम दिनों में सोया करते थे। इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं रमजान के आने पर। ये तीसरी किस्म लोगों की जिन पर रमजान आने पर बड़ी तकलीफ गुजरती। तो लिहाजा मोअज्ज़ज़ नाज़रीन, हमें समझना चाहिए कि हम इन तीनों किस्मों को जान लेने के बाद हम ये जाने कि अब हम ये तय करें कि हम कौन से किस्म में से होना चाहते हैं। पहली किस्म में से जो मोमिनीन की जमात, जो रमजान के आने पर खुश होते हैं, जिनको रमजान की इबादतों से बड़ी दिलचस्पी है, वो अजर व सवाब को कमाना चाहते हैं, आखिरत को कमाना चाहते हैं, या फिर दूसरी जमात जो सिर्फ दुनिया को कमाना चाहती है, आखिरत की इबादतें उनसे महरूम हो रही हैं, आखिरत के अजर व सवाब से महरूम हो रहे हैं, या फिर तीसरी किस्म के जिन पर रमजान का आना ही बड़ी मुसीबत नजर आती है। हमें गौर करना है कि हम किन किस जमात में से होना चाहते हैं। बाद सलफ सालिहीन ने नकल किया कि कुछ लोगों ने एक लौंडी, एक नौकरानी खरीदी, जो पहले जमाने में हुआ करता था, बाजार में औरतों को मर्दों को बेचा जाता था, गुलाम और नौकर की तरह रखा जाता था। कहते हैं कि एक शख्स ने, एक घर वालों ने एक लौंडी, एक नौकरानी खरीदी। अब जब खरीदी तो रमजान का वक्त करीब आ रहा था, तो बहुत सारी खाने की चीजें, पीने की चीजें, बहुत ऐसी अशिया ला करके घर में जमा कर रहे हैं। ये जो नौकरानी थी वो देख करके हैरान परेशान है कि अजीब ये माहौल बदल गया है। उसने घर वालों से पूछा कि क्या बात है, आप ये इंतजाम क्यों कर रहे हैं, खाने पीने की तमाम राशन ला करके घर में जमा कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा इस्तकबाल रमजान, इसलिए कि रमजान आ रहा है, रमजान के इस्तकबाल के लिए हम ये कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। उसने कहा इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ रमजान के रोजे रखते हो। अल्लाह अकबर, एक नौकरानी का इल्म और उसका ईमान देखिए, उसका जज्बा देखिए, रमजान की अजमत और कदर और कीमत उसके दिल में क्या थी, ये गौर कीजिए। उसने क्या कहा, इसका ये मतलब हुआ कि तुम सिर्फ रमजान के रोजे रखते हो, जबकि मैं इससे पहले जिनके पास थी, वो जो मेरे मालिकान थे, जो मेरे ओनर्स थे, जिनके पास मैं खिदमत किया करती थी, और रमजान के आम दिनों में, रमजान के अलावा भी दिनों में रोजा रखा करते थे, वो इस तरीके से रमजान के लिए खाने पीने पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, वो आम दिनों में भी रोजा रखते और रमजान के लिए उनको खुशी होती और इबादत के लिए वो तैयार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद उसने जिद की, कहा कि मुझे पहले जो मेरे मालिकान है उनकी तरफ लौटा दो, अब मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकती। लिहाजा उसे मजबूरन वापस करना पड़ा, जो उसके पहले मालिक थे उनके पास ले जाकर उसे छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। इसी तरह से सलफ सालिहीन में से एक बड़े इमाम गुजरे हैं जिनका नाम बिश्र है। उनसे कुछ लोगों ने कहा कि इन्ना कौमन यतअब्बदूना वयजतहिदूना फी रमदाना फकत। कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ रमजान में इबादत कर रहे हैं, रमजान में मेहनत करते हैं, रमजान में थकते हैं। तो उन्होंने कहा बिसल कौम ला यअरिफून लिल्लाह हक्कन इल्ला फी रमदान। कहते हैं कि इतने बुरे लोग हैं ये कि जो सिर्फ रमजान में अल्लाह का हक जानते हैं। इन الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنه كلها। कहते हैं हकीकी मानों में जो नेक बंदा अल्लाह का होता है वो रमजान नहीं बल्कि गैर रमजान में भी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के लिए इबादतें करता है, अल्लाह के लिए रोजे रखता है, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता है, अल्लाह के लिए ज़कात व खैरात करता है। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो सिर्फ रमजान में नहीं करते। अब गौर कीजिए और सोचिए कि हम रमजानी मुसलमान बनते हैं या फिर हम रब्बानी मुसलमान, हमें रब्बानी मुसलमान बनना है। इसी तरह से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इज़ा लम तक़दिर अला क़ियामिल लैल। इसी का माइक ऑन है, बराए करम बंद कर दें।
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इदा लम तक़दिर अला क़ियामिल लैल वला सियामिन नहार फअलम अन्नका महरूम قد كلبتك الخطايا والذنوب. अल्लाह अकबर। गौर कीजिए इस कलाम पर और इस कौल पर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तुम गौर करो, क़ियामुल लैल तरावे की नमाज पढ़ना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है, रमदान का दिन का रोज़ा रखना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो जान लो कि तुम बहुत सारी भलाइयों से महरूम, और फिर ये बात भी जान लो कि तुम्हारे ऊपर अब गुनाहों ने साया किया हुआ, गुनाहों में तुम कैद हो गए हो, गुनाहों गुनाह तुम्हें पसंद आते हैं, और इस तरह से रोज़ा रखना, तरावीह की नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल गुजरता है। अल्लाह अकबर। ईमानी नाहिए से गौर करके देखें, हम बड़े शौक व ज़ौक़ व शौक से रमज़ान में दाखिल तो होते हैं, बहुत सारी अक्सरियत का ये हाल है कि रमज़ान में शुरुआत में जिस तरीके से मस्जिदें भर जाती, जिस तरीके से एक बड़ा माहौल नज़र आता है रोज़ेदारों का, नमाजियों का, सदक़ात व खैरात करने वालों का, इफ्तार करने वालों का, एक बड़ा मजमूआ और बड़ी जमात नज़र आती है, और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है, याद रखिए आगे के हमारे सेशंस में बात भी बताई जाएगी कि रमज़ान जैसे जैसे ख़त्म होगा उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है, याद रखिए उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है। आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत अहादीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुसूसियत के साथ इस आखिरी अशरे के लिए तैयार हुआ करते, आखिरी 10 दिनों के लिए, और आप खुद इबादत करते, घर वालों को उभारते, वहाँ कितनी इबादतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम देते, गौर कीजिए। और हमारा क्या मामूल है कि हम जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है, दिन घट रहे हैं, वहीं हमारी कोताही, लापरवाही, सुस्ती, गफलत का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। गौर करना चाहिए कि क्या हमारा हाल ऐसा नहीं कि हमारे गुनाह हमारे ऊपर ऐसे सज़ा बन करके नाफिज हो चुके हैं कि अब हमारे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तरावीह पढ़ना मुश्किल हो रहा है, रोज़ा रखना मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा हमें तय करना है कि हम किन में शुमार होना चाहते हैं और किन बंदों में बनना चाहते हैं। इसके बाद आइए गौर करना है कि अब करने के काम क्या, रमज़ान की मुनासबत से रमज़ान अब हमारे दरमियान आ रहा, बिल्कुल कम और कलील मुद्दत, कम फासिला है कि अब हम रमज़ान में दाखिल होने वाले, गौर करना है करना क्या है। सबसे पहली चीज़, 10 हमारे पास बातें हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि रमज़ान की फजीलत को, उसकी अहमियत को समझें, और फिर उसमें अल्लाह की जानिब से जो इंतज़ामात हो रहे हैं उस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी थी सहाबा को, और फिर ये बातें बताई कि अल्लाह ताला आसमान के दरवाज़ों को खोल देते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं, वो शयातीन जो आम दिनों में आकर के वसवसे पैदा करके इंसान को भटकाते थे रास्ते से, जो सिद्ध हिदायत का रास्ता है, नेकियों का रास्ता है, उससे दूर कर दिया करते थे, अल्लाह ने उनको भी बंद कर दिया ताकि बंदे अल्लाह ही की इबादत करें, और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया और वो है जन्नत में दाखिल हो। अब ऐसे में हमें समझना है कि रमज़ान की क्या अहमियत, और अल्लाह ने ये इंतज़ाम, इतने बड़े बड़े इंतज़ाम क्यों किए, ये गौर करना है, तब जा करके हम रमज़ान के लिए तैयार हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ करने वाली ये है, दूसरा काम जो करने वाला है वो ये कि अपने नफ्स को रमज़ान के अहकाम और मसाइल से वाकिफ़ करवाएं, नॉलेज दें अपने आप को, रमज़ान के अहकाम जानिए, रमज़ान के मसाइल जानिए, ताकि जब आप इस मसाइल और अहकाम को जानेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, आप कैसे रोज़ा रखते थे, कैसे सहरी करते थे, कैसे आपका रोज़ा मुकम्मल होता, कैसे आप इफ्तार करते, रोज़े के दरमियान क्या क्या इबादतें आप करते, ये सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। और अब माशाअल्लाह ये जो सेशन रखा गया है, इस तरीके के दीगर जो मजलिसें हैं उलमा की होती हैं, उसमें शरीक होइए, रमज़ान के जो दुरूद होते हैं बड़े अहम होते हैं, उनमें सुनिए, जानिए, और पूरे इखलास के साथ शरीक होइए, आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, आपका इल्म बढ़ेगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे, इबादतों में शौक़ बढ़ेगा, और इस तरीके से आप हर किस्म की गलती से जब महफूज रहेंगे, आपकी इबादत उतने खुलूस से और पाक और साफ इबादत होगी कि अल्लाह के नज़दीक कबूल होकर के रहेगी। तो फिर रोज़े के सिलसिले में भी और रमज़ान में जो इबादतें हैं उनके सिलसिले में हम उनकी अदायगी आसानी से कर सकें, उसमें कोई कोताही ना हो। और तीसरा अहम काम करने का ये है कि गुनाहों से तौबा कर लें, कुल्ली तौर पर इज्तनाब करें, कोशिश करें, अपने दिल को, अपने नफ्स को तैयार करें, अहद कर लें कि कोई गुनाह नहीं होगा। ये रमज़ान खुद ऐसा गुजरे, ये रमज़ान ऐसा गुजरे कि पिछले रमज़ानों से बेहतरीन रमज़ान हो जाए, गुनाह ना हो, कोई गलती हमसे ना हो, ऐसा तहिया कर ले, ऐसे तैयार हो जाए। और चौथा काम करने का यह है कि सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगियों को पढ़ने की कोशिश करें,
कि वो किस तरीके से नेकियों में आगे बढ़ते थे, हमेशा नेकी करने में हमेशा आगे रहते थे। खुद अल्लाह के रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही रमजान आता आप तो पूरे फयाज और सखी हो जाते, जो कुछ आपके पास है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करते, नमाजों के लिए खड़े हो जाते, फराइज की पाबंदी, इबादत, नवाफिल, बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतें करते। सलफ सालिहीन की जिंदगियों से भी बहुत सारे सबक आपको मिलेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप अपने आप को तैयार कर सके, इसलिए कि वो भी हमारी तरह इंसान। अब फिर इस तरह से पांचवा करने का काम ये है कि हम अपने नफ्स की इसलाह करें, अपने नफ्स की इसलाह करें, और ये अज़्म मुसम्मम करें, यह मजबूत इरादा करें। और ये दो अहम ऐसे असबाब हैं जिससे कामयाबी ज़रूरी है। कामयाबी मिलकर रहेगी, आप नीयत दुरुस्त कर लें और फिर अज़्म मुसम्मम पूरा तैयार करें नफ्स को, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और छठा काम अहम करने का ये है कि एक बेहतरीन शेड्यूल अपना बना लें, एक बेहतरीन लाही अमल तैयार कर लें, इबादतों के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए, और दीगर जो इबादतें हैं आपके काम काज के लिए भी। ऐसा नहीं कि पूरी इबादतों में मशगूल हो जाए, घर के कुछ ज़रूरियात हैं, और अल्लाह के लिए इन दिनों में खुसूसन मर्द हजरात को चाहिए कि ख्वातीन पर रहम करें, उनको भी मौका दें इबादत करने का। ये ऐसा अजीब मौका है, साल भर तो हम खा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी खाते हैं, पी रहे होते हैं। आपको एक वाकया मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि पिछले दौर में, इसीलिए मैंने कहा सलफ सालिहीन की जिंदगियों को पढ़ना चाहिए, पिछले दौर के बादशाह का वाकया, मुहतदी खिलाफत अब्बासिया के एक खलीफा गुजरे हैं, उनके बारे में आता है कि एक शख्स उनके पास थे और वो जानना चाहते थे कि बादशाहों का इफ्तार कैसा होता है, उनके दस्तरखान पर क्या चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि जब मैं वापस जाना चाहता था, इफ्तार असर के बाद का वक्त है और इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने कहा बादशाह ने बैठो हमारे साथ इफ्तार को। कहते हैं जब मैं बैठा तो मैंने देखा एक बड़ी प्लेट ला करके उनके दस्तरखान पर रख दी गई है, और उसमें क्या है, सूखी रोटियां हैं, और फिर विनेगर सिरका है, और फिर कुछ घी रखा गया, इतनी ही चीज़ें। और वो कहते हैं कि मैं आसपास देखने लगा कि और कुछ चीज़ें आएंगी, खाने पीने की और चीज़ें आएंगी, इसलिए कि शाही दस्तरखान है, शाही इफ्तार है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उन्होंने जब इनको देखा, बादशाह मुक्तदी ने ये कहा कि खाओ जो कुछ तुम्हारे सामने, हमारे घर में और कुछ नहीं है, यही इफ्तार है हमारा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, वक्त का बादशाह है, अल्लाह की इबादत को उसने इतनी अहमियत दे रखी थी कि खाने पीने में उन्होंने वक्त ज़ाय नहीं किया, जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेते अल्लाह की इबादत में। और हकीकत में आप गौर करें, जितना आपकी मकदार अच्छी होगी, खालिस गजाएँ खाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप चुस्त होंगे, एक्टिव होंगे, और इबादतें अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो क्या मालूम हुआ कि आप एक तरीके से एक शेड्यूल बना कि कब इबादत करना है, कब आपको कामकाज करना है। और बिलखसूस खवातीन को भी चाहिए कि अपने कामकाज करते हुए भी इबादतों के लिए ख़ास वक्त निकालें, इस सिलसिले में तैयार होना है। और फिर एक काम करने का ये भी है कि अच्छी सोहबत को इख्तियार करें, अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। बतौर खास मर्द हजरात और खुसूसन नौजवानों से दरख्वास्त है कि अच्छी दोस्तियों को इख्तियार करो, ऐसे दोस्त बनाओ जो आखिरत में भी कामयाब आए, आखिरत में भी तुम्हें कामयाब कर सकें, जो सिर्फ दुनियावी दोस्त हैं। नाम की दोस्ती कभी मत करो, इसलिए कि इसमें बड़ा खसारा ही खसारा और नुकसान ही नुकसान। और रमदान में खुसूसन ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो कि जिनको देख करके इबादतें आ जाती, अगर तुम्हारे अंदर सुस्ती भी हो तो वो तुम्हें इबादत की तरफ ले जा सके। तुम उनके साथ बैठो तो कुरान मजीद की तिलावत का शौक तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, तुम उनके साथ बैठो तो कम से कम जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो, दुआ कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ ना रहो जो दिन को तो रोज़ा रह करके सो सो करके वक्त गुजार रहे, इफ्तार कर लिया फिर वक्त गुजारी के लिए बाहर निकल जाते, टहलते हैं, वक्त ज़ाय हो रहा है, चाय पर बैठे हैं, घंटों गुफ्तगू हो रही है, दुनिया की ना आखिरत की कुछ काम आने वाली नहीं है। ऐसी दोस्तियों से अल्लाह के लिए बचो, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ जो तुम्हारी गफलत में भी तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए, तुम्हें जहन्नम से बचा करके जन्नत की तरफ ले जाए। इससे बहुत एक माहौल बनेगा, दिल में शौक पैदा होगा। और ये अहम नुक्ता है, सरपरस्त हजरात को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इसकी तरफ ताकीद करें और उनको इस बात की तालीम दें। और इस तरह से एक काम करने वाला ये भी है कि अपने नफ्स को बार बार नसीहत करते रहें और ये बताते रहें कि ये वक्त जो आया है ज़िंदगी में बड़ा कीमती वक्त है, इसको कभी ज़ाय नहीं करना है। अपने नफ्स को बार बार बताते रहिए, नफ्स को जितना आप बात करेंगे खुद से, खुद तैयार करेंगे, ये नफ्स आपका उतना साथ देगा। अगर आप नफ्स की बात सुनते रहेंगे तो फिर आप कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से एक और भी काम करने का है, वो ये कि कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करें। कोई भी काम, कोई भी नेकी, कोई भी इबादत करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें, इसलिए कि दुआ ही के ज़रिए से तमाम काम आसान हो जाते हैं।
और रोजेदार की दुआ जरूर कबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ जरूर कबूल होती है, उसके कबूल होने में कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह, इतना अजीम मरतबा है। और इसके बाद आखिरी काम करने का ये है कि जन्नत का दरवाज़ा खुला है, यही एक ऑप्शन है हमारे लिए अब इस महीने में, यही एक ऑप्शन है कि जन्नत में दाखिल। अल्लाह अकबर, इसके लिए अपने आप को जन्नती बनाएं, जन्नत में अपना घर बनाएं, जन्नत में अपना हिस्सा बनाएं और पूरी कोशिश करें ऐसी जन्नत जैसा कि हमने सुना कि ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने उसकी नेमतों के बारे में सुना है और ना ही किसी दिल में उसका तसव्वुर और ख्याल आ सकता है। ये ज़रूरी काम है जो हम कर सकते हैं और ये करके ही हम इंशाअल्लाह अपने आप को इस रमज़ान के आने के लिए तैयार कर सकते हैं। और रमज़ान की पूरी तैयारी हम करके रमज़ान में अगर दाखिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान बिला शक पिछले रमज़ानों से बेहतर रमज़ान हमारा बन सकता है। मौजूद नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में आइए एक छोटी सी एक्टिविटी, इसलिए कि ये वर्कशॉप है, मैं ही कहता जाऊँ फिर आपका हिस्सा ना रहे, आपने शुरू में सवाल के जवाब भी दिए माशाल्लाह। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ मुझे करनी है, वो ये कि अरबी जबान में आप देख रहे हैं शहरुन, शहरुन किसे कहते हैं, अगर कोई जानते हैं तो बता दें या फिर मैं बता देता हूँ, शहरुन अरबी जबान में किसे कहते हैं? मंथ, महीना, महीना, बारकअल्लाह, बिल्कुल, शहरुन अरबी जबान में उर्दू के लिहाज से महीना है, इंग्लिश में मंथ कहते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवालात, एक एक्टिविटी छोटी सी, आप आइकॉन देखें, सिंबल देखें जो आपके सामने तस्वीर है उसको देखकर बताएं शहरुन क्या हो सकता है, इसको जोड़ करके बताएं। आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, उर्दू में भी उसको जोड़, लेकिन इसका मतलब क्या है? और क्या हो सकता है, गौर करें, हाथ खाली नहीं है, भरे हैं। बारकअल्लाह, बिल्कुल सही। देखिए मंथ ऑफ ब्लेसिंग यानी शहरुर रहमत, ये महीने की फजीलत, ये महीने का नाम शहरुर रहमत, इसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। और उसके बाद दूसरा सिंबल, दूसरा आइकॉन आपके सामने है, क्या है इसका मतलब, इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम? इबादत और दुआ और एक खास उसमें एक खास, हाँ बिल्कुल सही, खास उसमें एक्शन है वो है मग़फ़िरत वाला, ये है शहरुल गुफ़रान या शहरुल मग़फ़िरत, गुनाहों के बख्शवाने का महीना है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का इंतजाम। अब उसके बाद एक और चीज है आपके सामने, अब बताइए दुआ, अब इसको जोड़ कर कहेंगे तो कैसे होगा? शहरुद्दुआ, दुआ का महीना, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। और फिर शहरुत्तौबा भी आप इसको कह सकते हैं, तो दूसरा आइकन है। फिर इस तरह से एक और भी आइकन आपके सामने नजर आ रहा है, शहरुल कुरान, माशाअल्लाह बारकअल्लाहु फीकुम, शहरुल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब, हमने जो आयत पढ़ी बारहा हम सुनते हैं, क्या है वो आयत बताइए, पढ़कर बताइए। जी हाँ, उसके बाद एक और चीज आपके सामने है, हाँ, इससे क्या होता है, हेल्प होती है दूसरों की, मतलब हम आपका फायदा क्या, फास्टिंग का मकसद है कि लाइक हमें दूसरे की फीलिंग्स, उसके उसकी तकलीफ की फीलिंग हो। और एक और इसमें इशारा है वो ये कि आपको बरकत मिलती है, वही जो इसका जिक्र पहले भी हुआ था, जब आप खर्च करेंगे अच्छा तो आपको भी, क्योंकि अल्लाह ही माल देने वाला, अल्लाह ही रोकने वाला, तो हम अगर अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो बिला शक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मजीद हमें अता करेंगे इस दुनिया में भी आखिरत में। फिर एक आखिरी निशानी किसकी तरफ इशारा कर रही है, और अगर रमजान से जोड़ कर कहें तो तदकुल खैरात, हाँ ये भी है, और नेकियों की तरफ दौड़ना, दौड़ेंगे किस लिए दौड़ेंगे, आप क्यों दौड़ रहे हैं, नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, और बिल्कुल ओके
मैं आयत पढ़ूंगा, फमनज़ुहज़िहा अनिन नार वउदख़िला अलजन्नत फ़क़द फ़ाज़, कामयाबी के लिए, कामयाबी कामयाब की तरफ जी हाँ, जहन्नम से उसको बचने और जन्नत नजात की जी तरफ। हाँ, इसको कहते हैं शारुन नजात। ये ऐसा बड़ा मौका है कि हम इसमें इंशा अल्लाह अपने बिल्कुल आप को जहन्नम से बचा सकते हैं, इसलिए कि एक ही ऑप्शन है इस महीने। आपने गौर किया, देखा ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बारहा अहादीस में है, और ये भी ताकीद कही गई की गई कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, कोई बंद नहीं है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई खुला नहीं। अल्लाह अकबर, इस बात पर हम गौर कर सकते हैं तो हमें बात खुलकर सामने आएगी कि एक ही ऑप्शन है, वो ये जन्नत में दाखिल। तो हम कोशिश करें कि इस महीने को शहरुन नजात मान के इसमें अपने आप को जहन्नम, और ये हर दिन होने वाला, हर रात को अल्लाह ताला क्या है जहन्नम से कई बंदों को आजाद करते हैं, तो इसमें हमें दुआ करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वबारक फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम की मगफिरत करे और इस आने वाले महीने के लिए हमें तैयार होने की तौफीक इनायत फरमाए, और साथ ही साथ अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए खैर व बरकत वाला महीना बनाए। किसी का माइक ऑन है शायद, डबल आवाज़ आ रही है, बराए करम माफ करें। जी हाँ, दुआ हो रही थी, इसमें खास एहतमाम करें कि ऐसा कुछ चीज़ें ना हो कि जिसमें डिस्टर्ब हो। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक दे, और इस महीने को हमारे लिए अल्लाह ताला जैसे जितने महीने के नाम हमने सुने वो हर चीज़ और इससे बढ़कर अल्लाह नवाजे, और अल्लाह नवाज सकता है, इसलिए कि इस महीने में एक नेकी का अजर व सवाब 10 से बढ़ा करके अल्लाह दे सकता है, और 10 से 700 गुना बढ़ा कर दे सकता है। तो अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए वाकई मुबारक बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वबारक फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वरकातुहू, बारकल्लाहु फीकुम।